हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो है पार्ट वन बना रखा थे, तो आज जो है हम पार्ट टू बनेंगे। पार्ट वन में हमने इसकी ज़रा मोल्ड बेस तक बनाया था, कौन सी प्लेट को क्या कहेंगे, कितना साइज में आऊंगा, हमने पार्ट वन में बनाया था। तो आज जो हम बनाएंगे पार्ट टू बनाएंगे। पार्ट टू में हम इसकी पूरी कंप्लीट केस स्टडी करेंगे, क्या होता है, कहाँ पे कैसे लगना चाहिए, क्या साइज होते हैं, हम पूरी केस स्टडी करेंगे। तो जिस जिसने पार्ट वन नहीं देखा वो लाके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो वीडियो को। और दोस्तों, जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह सही है वो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। और जिसको इसको जॉब वैकेंसी के लिए अपडेट चाहिए वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, वो जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो वहाँ पे मैं जॉब वैकेंसी वगैरह के लिए अपडेट डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी इस प्लेट को चारों तरफ से एक बार चैम्फर कर लेते हैं, ठीक है, सारे प्लेटों को। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को चैम्फर कर लेता हूँ। एक एक एमएम या दो दो एमएम का मैं चैम्फर लगा लूंगा हर प्लेट को, ठीक है। तो मैं इसको चैम्फर कर लूंगा, सारे प्लेटों को करूंगा मैं एक एक करके, एक एक। अभी स्टार्टिंग में करने का फायदा क्या है, जैसे आप सारा प्लेट बना लोगे उसमें फायदा एक होती है कि आपको अलग अलग तोड़ना नहीं पड़ता है। यहां पर भी हम करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो है ये वाली प्लेट ले आते हैं, इस प्लेटों में करेंगे। इसको नहीं करना है, ऊपर वाले को करना है। दोनों को सिलेक्ट करके एक को डिसलेक्ट कर दो। अभी के लिए इसको डिसलेक्ट कर लेता हूं मैं, ठीक है। और ये जो है चारों एजेस को एक बार के लिए चैम्फर कर दो। अब जैसे ये वाली हद है, ये इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे भी एक चैम्फर लगाएंगे, बट इसका चैम्फर थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो चैम्फर है, इस चैम्फर को मैं हटा लूंगा यहाँ पे इस फेस में, और इस फेस में पहले दो दो का लगाऊंगा, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा अलग से लगा लूंगा दो का। अब लास्ट में एक ब्लॉक रह गया है ना, इस ब्लॉक को भी हम चैम्फर 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 चारों तरीके से कर लेंगे। सारा ब्लॉक हमने चैम्फर जो है लगा लिए, बस सेव कर लो फाइल को। अब अपने को क्या लगाना है, कॉइल लगाना है। तो कॉइल हम क्या लगाएंगे, चारों तरफ कॉइल लगाएंगे, और ऊपर की प्लेट से हम बोल्टिंग लगाएंगे कॉइल को। कॉइल को लगाने के लिए यहाँ पे मैं चार होल करूंगा मैं, यहां से सेंटर टू सेंटर एक मैं वो ले लिया, और यहां पे मैं एक जो है पुट्टी का लगा रहा हूं मैं, एक इसको मिरर कर दूंगा अभी के लिए। और ये जो लाइन है इसको हम सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। और इसको जो है मैं कितने का करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 10 mm का सबस्ट्रैक्ट करूंगा, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्केच है एक बार डायमेंशन कर लेते हैं एजेस से, आउटर एजेस से हमेशा डायमेंशन करना है। तो इसको हम 40 का ले लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम ले लेंगे 30 का, फिर इसको हम कर देंगे मिरर का।
डन, तो चारों तरह से हमने इसको कर लिया है। इसको जो है अब यहाँ पे जो है कार को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेरे पास ऑलरेडी कॉइल में बना के रखता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉइल को जो है मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो मैं डेस्कटॉप में हमेशा मेरे को कॉइल, स्प्रिंग, सारा कुछ चीजें मुझे मिल जाती है। तो मैं कॉइल ले आता हूँ, देखोगे अब कॉइल ले आया हूँ मैं। फिर इसको कंट्रोल टी करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइल को मुझे देखना है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, है ना। इसकी पॉइंट और इसकी पॉइंट से आपको कॉइल मिलाना पड़ेगा, या आपको इसको सेंटर टू सेंटर मिलाना पड़ेगा। हम पहले देखेंगे कॉइल कितना नीचे तक है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम, ठीक है मेरे हिसाब से तो ओके है। तो हम इसकी सेंटर टू सेंटर मिला सकते हैं, बट ये मेरा कॉइल है, कोई सर्कल तो है नहीं, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली मूव करके बिठाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ले लो, यहाँ पे मुझे देखो सेंटर नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे बिठाऊंगा 10 mm का, मुझे मूव करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट है। अब इसको हम कर देंगे मिरर ज्योमेट्री, कर देंगे इसको, ठीक है। बस यहाँ पे भी आ गई आपका। सिमिलरली हम इस साइड भी ले लेंगे एक, तो है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, कॉपी कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको 90 डिग्री का, फिर जो है हम इसको 10 mm की, कितना mm होगा, कर देंगे इसको डिस्टेंस में कॉपी, मूव कर देंगे 10 mm होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है 10 mm होगी। फिर हम इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा जो है कोई डिस्टेंस में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो स्केच बनाया था तो स्केच में प्रॉब्लम हो सकता है, सेंटर पे नहीं होगा, मतलब ये दिक्कत हो सकता है सेंटर पे नहीं होगा। तो देख रहे हो 0.7 का गैप है, इसलिए वजह से सेंटर पे नहीं है, ठीक है। अब सेंटर पे आ गई, तो हम जो है इसको भी मिरर बूटी कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लान सिलेक्ट कर दिया वो गलत प्लान सिलेक्ट हो गई, तो हम इसको डिसलेक्ट करके हम जो है ये वाली प्लान सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने स्प्रिंग बना लिया है। अब मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इस प्लेट में ले आता हूँ। इस प्लेट में देखोगे तो आप एक बार इस तरह से देखोगे, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा स्प्रिंग के लिए वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है सिमिलरली यहाँ पे भी वो चीज बना लेंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, 60 mm का मेरे को गैप था, तो मैं यहाँ पे ये वाला चीज एक्सट्रूड कर दूंगा, जो मेरा एज है। अब स्प्रिंग को गाइड करने करने बीच में क्या होना चाहिए, शाफ्ट होना चाहिए, रॉड होना चाहिए जो स्प्रिंग को गाइड करे, है ना। तो इसको जो है हम 70 mm का वो कर दूंगा मैं रिवर्स डायरेक्शन में, और इस प्लेट को जो है मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। डन, समझ में आ गई। तो यहाँ पे टच हो रही है, फिर देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है ना। तो यहाँ पे फिर इसको मैं 70 की जगह 68 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा हमने चैम्फर लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी चैम्फर लगाया था, यहाँ पे भी चैम्फर लगा दिया। तो ये स्प्रिंग का काम हो गया। अभी अपने को क्या करना है, स्प्रिंग को गाइड करने के लिए अपने पास वो होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे टेपर लगाना है, यहाँ पे भी मुझे कट करना है, मैं एक्सेप्ट करूंगा सारा चीजें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो है बोर्ड लगा देंगे। तो यहाँ से मैं स्केच लूंगा, ठीक है। तो इसको जो है मैं ये वाली कर लेता हूँ, और इसके सेंटर पे तो लगभग मैं लगाऊंगा 16 का,
फिर इसके ऊपर मैं खोला लगाऊंगा जो एलन बोल्ट होगा, फिर नीचे जो है थ्रेड रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम जो लगाएंगे कुछ जो है नीचे तक आएगा, यहां तक सबस्ट्रेट को हटा दो आप, इधर की तरफ जीरो कर दूंगा मैं। 190 mm काफी है मेरे हिसाब से, 185 भी कर सकते हो, -185 का, ठीक है ठीक है, -185 का कर दिया हमने। ठीक है तो यहाँ पे 185 का मैंने कर दिया, तो यहाँ जितना भी है मैं इसको फिलहाल के लिए सब्सट्रैक्ट करूंगा, डन। अब इसको हटाओ, अब यहाँ पे भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, नीचे जो है इसमें थ्रेड लगेगा मतलब। बट यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये जो कॉलर बनाए हमने यहाँ पे हम कॉलर लगाएंगे स्प्रिंग के साथ, ठीक है। तो कॉलर हमने नीचे की तरफ लगाना है, 20 का मैं लगाऊंगा, यहाँ पे 30 लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, ऊपर से भी खाली रखूंगा फिर, ठीक है ना। तो यहां से हमने खाली रखना है, तो मैं क्या करूंगा इसमें अभी के लिए दोनों को यूनिट करूंगा, ठीक है। डन, अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, फिर यहां से सब्सट्रैक्ट कर दिए, अब इसको हम जो है 20 mm का हम इसको ट्रिम कर देंगे, दो बॉडी, तीन बॉडी, चार बॉडी, यहाँ पे ऑफसेट वाला लेंगे और यहाँ पे हम -10 mm, -12 mm का, ठीक है, ट्रिम कर दिया। अब ट्रिम करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे ये जो है टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे फिर स्केच ले लेंगे और एक जो है हम क्या बनाएंगे, पॉलीगॉन बनाएंगे। तो चारों तरफ से हम एक एक पॉलीगॉन बनाएंगे 8-8 का लेके, मैं मिरर भी मार सकता हूँ, बार देखिए। तो हमने यहाँ पे 8 का एक एक पॉलीगॉन बनाया, ठीक है। फिर इसको जो है हम नीचे की तरफ क्या कर देंगे, एक्सट्रूड कर देंगे नीचे की तरफ, हम इसको पास का एक्सट्रूड कर देंगे, फिर जो है इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहां से। तो इसको हटा दो आप, तो ये मेरा हो गया है। और इसमें एक चीज और ध्यान देना वाली बात यह है, ये जो नीचे सब होता है ना, सब में लगता है चम्फर वाले काम, सारे में चैम्फर वाले काम होती है, तो हम इसको 3 का चैम्फर लगा लेंगे सभी में, ठीक है। तो अब देखोगे आप, हमने स्प्रिंग तक लगा लिए है, ठीक है। तो हमने स्प्रिंग लगा लिए, अब नीचे से अपने को एक कट लगानी है, जो इसको कट को अपने को बनाना पड़ेगा, अभी बनाना नहीं है, ये वाले चीज को जैसे मैंने यहाँ पे भी लगाया तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस प्लेट को हटा दूंगा, इसको भी हटा दूंगा, तो यहां से एक मैं सिंपली एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड मतलब आपको स्केच नहीं लेना है, ठीक है, आपको करना क्या है, यहां पे इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे और यहां पे इसको हम कर देंगे सबट्रैक्ट, ठीक है। बट सबट्रैक्ट करने से पहले यहां पे थोड़ा सा आपको टेपर में होना चाहिए ना, टेपर में होना चाहिए आपको। तो हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा टेपर में लूंगा, तो मैं 5 mm लूंगा यहां पे, इस 5 mm को 1 mm तो मुझे वहां पे आएंगे, 6 mm होगा और यहाँ पे हम ड्रॉप दे देंगे, रिवर्स डायरेक्शन में,
माइनस टू क्या हुई, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है ड्राफ्ट दे देंगे, माइनस 10 का दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें मैं ना कुछ कर रहा हूँ अभी के लिए, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर मैं इस ब्लॉक को लाऊंगा, फिर यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, ये जो पोर्शन है इसको मैं कर दूंगा सबट्रैक्ट, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है इसको आपको नीचे ले जाना है। देखो यह वाली जो ब्लॉक है इसका तो जरूरत फिलहाल नहीं है क्योंकि इसको मैं काट सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे नीचे की तरफ। मैं अगर इसको करूंगा ये टेपर में चले जाएगा ऐसे, तो वो चीजें सही नहीं है, है ना, क्योंकि ये पूरा टेपर में चले जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये ब्लॉक है इसको हम क्या करेंगे, तो हम जो इसको नीचे की तरफ ले आएंगे, पूरा नीचे की तरफ ले आएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे सबट्रैक्ट यहाँ से इसको, डन। अब मेरा यह वाले काम हो गया, यहाँ से स्ट्रेट आ जाएंगे। यहाँ पे अपना मैं इसको हटा के दिखा था आपको, तो यहाँ पे टेपर में होना चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे टेपर लगाना पड़ेगा, बट हमने रिवर्स टेपर लगा दिया, तो यहाँ पे रिवर्स टेपर को हम लोग सीधा करना पड़ेगा। है ना, यहाँ पे देखोगे आप रिवर्स टेपर लग गई, बट अपने को तो प्लस में टेपर देना है, तो हम इसको प्लस में लेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम इसको सबस्ट्रेट को हटा देते हैं, ये जो हमने बनाए यहाँ पे इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टेपर आपको चाहिए सही है। कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे वो टेपर होगा तभी तो ये पीस निकलेगा, तो ये बाहर की तरफ टेपर खुलना सही है, बट हमने जो यहाँ पे एक्सट्रूड करवाया है ये अपना जो टेपर खुला है अंदर की तरफ खुला है, तो इसको हमको बाहर की तरफ खुलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बाहर की तरफ खोलेंगे इसको, तो इसका वाले काम मैं थोड़ा लेट में कर लेता हूँ, लास्ट में करूंगा, तो पहले मैं वोल्टिंग का काम कर लेता हूँ। तो अभी मैं जो है इसको करते रहता हूँ, बाउंड्रेट लेके रिवर्स डायरेक्शन इसको सबस्टेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा सबस्टेक का वो आ जाएगा। अब हम इसकी वोल्टिंग करवा लेते हैं। वोल्टिंग में मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे जो है इस प्लेट को माउंट करना है, इस प्लेट को माउंट करना है कि इस प्लेट के साथ ये प्लेट माउंट रहे, तो इसके लिए हम वोल्टिंग करेंगे। तो हमने यहाँ तक बना लिए, अब जो है इसमें बोल्टिंग करना है दोनों प्लेटों को, फिर इस प्लेट को भी बोल्टिंग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से जो है बोल्टिंग करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैंपल लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम बोल्टिंग करना है, बोल्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करना है ऊपर वाले प्लेट के इसके साथ करना पड़ेगा अपने को बोल्टिंग। तो मैं सबसे पहले जो है स्केच ले लूंगा और यहाँ पे सिंगल काब ले लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको ये कर लूंगा। अब मुझे कहाँ कहाँ बोल्ट करना है, मुझे ये देखना है, ये जो कंपोनेंट है मुझे, एक तो मैं बोल्ट करूंगा इस जगह में करूंगा, है ना, एक इस जगह में करूंगा, एक इस जगह, चार मतलब चार बोल्ट इधर करूंगा, दो इधर करूंगा, तो मतलब इस तरीके से मुझे बोल्ट करना है इस प्लेटों में। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे ये जो प्लेट है यहाँ पे भी आपका क्या कटा हुआ है, तो इसके साथ अपने को पांच जो है पांच को भी देखना पड़ेगा। मतलब मेरा बोलने का ये है, जो मेरा पांच है इसमें बोल्टिंग का मुझे देखना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे ये पांच प्लेट जो है उसमें भी देखना पड़ेगा बोल्टिंग का। तो मैं एक काम करूंगा, एक यहाँ पे मैं तीन बोल्ट लगाऊंगा, यहाँ तीन बोल्ट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे चार बोल्ट लगा लूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं बोल्ट जो लगाऊंगा यहाँ लगाऊंगा, कुछ मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ये मैं लगाऊंगा आठ का लगाऊंगा, ठीक है ना, एम एट का लगाऊंगा। और यहाँ पे हम इसको कर देंगे मिरर, ठीक है। और यहां से इसका मैं कुछ डिस्टेंस दे दूंगा, सेंटर से कर रहा हूँ क्योंकि चैम्फर लगा है बहुत सही, मैं इसको 30 का दे देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसको सेंटर से लूंगा
30 का दे दूंगा मैं। और ये जो मेरा पंच है मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा बोल्ट, है ना, तो इसको मैं मिरर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने इसको मिरर कर दिया, तो 4 बोल्ट से ही आराम से होल्ड कर लेंगे। अगर कोई सेंटर में करना है तो आप कर सकते हो, तो एक सेंटर में कर लेते हैं, मेट के लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे करना है अपने को जो ये प्लेट है, तो अपने को प्लेट में भी करना पड़ेगा। हमने अभी 5 में कर लिया, तो यहाँ पे हम जो प्लेट है वहां पे भी हम M8 का लगाएंगे। तो मैं यहाँ से जो है 8 का लगाऊंगा, और ये जो होगा इधर से 0 हो जाएगा, इधर से इसको 0 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हम जो है 55/2 कर देंगे, तो सेंटर पे आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको जो कर देंगे मिरर, तो इसको आपको मिरर करना है। ठीक है, तो हम इसको भी मिरर कर देंगे, बट यहाँ पे मिरर जो होगा कहीं आपको डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ओवरलैप ना हो, तो हम इसका भी मिरर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोर्ड लगाए, अभी यहाँ पे हम 2 बोर्ड लगा लेंगे सेम M8 का लगाएंगे, और यहाँ से इसका डिस्टेंस मैं दे दूंगा 27.5 का। ठीक है, और यहाँ से भी इसको 27.5 का हम रख देंगे इसके सेंटर से। ठीक है, तो 27.5 ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा, तो 35 का कर लेंगे हम इसको। तो थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे मिरर। डन, अब इसको हम एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम ऐसे कर लेंगे तो पता लग जाएगा कहाँ तक करना है, इसको रिवर्स डायरेक्शन करना है। यहाँ पे इसको नान कर देंगे, और ये जो आएंगे पूरा यहाँ तक आएंगे, मतलब 100 आएगा। ठीक है, 100 तक क्यों आएंगे बताऊंगा अभी, इसमें कहानी है। तो सबसे पहले हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सारा जो आपने बना रखा है सबको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। अभी के लिए ऊपर प्लेट का भी करूंगा मैं, तो इसको करने के लिए एक तरीका होता है, इसको ऑन कर दो, और इसको जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, तो फिशर बॉडी ले लो, तो एक बार में सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हाइड कर देते हैं। अब ये वाली प्लेट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको ऑन करके इसको सिलेक्ट करके फिर से हम एक फिशर बॉडी ले लेंगे। ठीक है, जो हो जाएगा हो जाएगा, जो नहीं होगा वो हम अलग से करेंगे। इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम फिर से फिशर बॉडी ले लेंगे। देखो यहाँ पे एक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि इसमें डाई में है ना, डाई प्लेट में है। तो हम सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके भी हम फिशर बॉडी ले लेंगे। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो नहीं होगा हम इसको अलग से करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखना ये है जो मैंने बना रखा हो, ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, स्प्रिंग वगैरह। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो हम क्या करेंगे इसको ऑफसेट कर देंगे, है ना, 5 mm का ऊपर की साइड। ठीक है, और इसमें हम लगाएंगे चैम्फर 2 का। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे कैसे देखेंगे, बट एक्चुअल में जो होगा ऊपर रहेगा ये। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऊपर रखना पड़ेगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे एक्सट्रूड करेंगे, है ना, तो इसको जो मैं कर दूंगा रिवर्स डायरेक्शन में, और इसका जो मैं डाइट दे दूंगा 15 का। ठीक है, और इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा 3 का, 3 mm काफी है, तो 3 mm का मैं ऑफसेट कर दूंगा। अब सबको मैं जो है यूनिट कर सकता हूँ, या मैं डायरेक्ट जो है यूनिट करूंगा, बट इससे पहले मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 को सिलेक्ट करके फिर वही कमर लगाऊंगा फिशर बॉडी वाली, तो सब्सट्रैक्ट हो गया मेरा। अब इसको मैं हाइड कर दूंगा। ठीक है, अब सबको यूनिट करूंगा,
यूनिट तो करेंगे, बट यहाँ पे कुछ कुछ चीज आपको देखना पड़ेगा, मैं बताऊंगा अभी क्या चीज है। ठीक है, तो हम इसको जो है ट्रिम बॉडी कर देंगे, सारे जो इतना भी यहाँ पे है सिलेक्ट करके यहाँ से 5 mm का रख दो बस आप। इसको हम कर देंगे -5 का बस यहाँ पे, ओके कर दो। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे बस ये फायदा होगा जो ऊपर में चीज है यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है आपने जो बन देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा चैम्फर की जरूरत है, दो का नहीं एक का काफी है, दो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कुछ रह नहीं जाना चाहिए, तो जब भी करते हो तो चैम्फर सा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है हम एलन वाली बोल्ट डाल देंगे, और जितना भी यहाँ पे बोल्ट है सबके कलर जो हम कर देंगे ग्रीन, थोड़ा डार्क कलर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलन वाली बोल्ट आप डाल दो सब में, फिर हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, 4 का, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक मैं पैटर्न दिखाता हूँ आपको जो हम काम यूज करते हैं ज्यादातर, लीनियरली सर्कुलर और जनरल। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कार्व सिलेक्ट करेंगे कनेक्टेड वाला, ठीक है, स्पेसिफाई पॉइंट ये वाली, और कहाँ सही है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई पॉइंट गलत सिलेक्ट हो गई, पैटर्न कर्व जनरल कनेक्टेड लोकेशन ये वाली, स्पेसिफाई पॉइंट ये, यहां से पैटर्न कर्व लिया, सारे को सिलेक्ट करवा, फ्रॉम इसकी सेंटर से टू किसके सेंटर तक, इसके सेंटर तक, ठीक है, फिर इसकी सेंटर, फिर इसकी सेंटर, फिर इसके सेंटर, तो इस तरीके से जो है सारे को आप सिलेक्ट कर पाओगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ेगा, आपको अलग अलग लेके बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये हम तरीका यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे है ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। ओ मैंने ओके करना भूल गया, नो कर देता हूँ इसको, तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ फिर से, अब ओके करना मैंने भूल गया था, ठीक है। हाँ सर एक चीज है, ठीक है, तो इसको हम ओके कर देते हैं, तो ये अपना यहाँ पे बन गया है, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बस इसको सब्सट्रैक्ट कर लो सारे को एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबको एक एक करके सबस्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो लगभग हो गया सारे। अब अपने को क्या करना है, एक मैं सारे को ले आता हूँ, ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ। अब अपने को क्या बनाना है, पिलर बुज बनाना है, ठीक है ना, पिलर सेट वगैरह बनाना है, तो सेम बोल्टिंग हम नीचे से करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको मिरर मार दूंगा, है ना, तो मिरर मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे प्लेन लूंगा एक बाइसेप तक, सॉरी हाफ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बाइसेप तक प्लेन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितना भी बोल्ट है सारे को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है, तो मिरर ज्योमेट्री यूज कर लूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। अब लेकिन वहां पे क्या करना पड़ेगा, जितना भी बोल्ट है सारे को लेकर अपने को एक्सट्रूड काट करना पड़ेगा एक बार, जैसे ये वाला जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको लेयर में डाल लेंगे 100 में, और जितना भी यहाँ पे वो है, जैसे मेरा स्केच है
सबको जो है मैं बाहर निकाल लूंगा अभी। ठीक है, एक करके तो हम जितना भी कर्व है सबको आपको कट कर देना है। ध्यान ही रखना है कुछ रह ना जाए। जैसे अभी ऐसे देखोगे तो सारा लगभग एक दो तीन, इधर भी तीन, इधर भी तीन, इधर भी तीन, सारा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे इधर से। डन। तो अब देखोगे सारा चीजें जो है हो गया है ना। यहाँ से कर देखोगे तो सारा चीजें हो गया है। हम जो है इसको सब्स्ट्रैक्ट कर देंगे फिलहाल के लिए, सब्स्ट्रैक्ट। और जितना भी यहाँ पे आप पॉइंट दिखोगे सारा जो है कीप टूल ऑन कर लेना आप। इसको इसको और इसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया है। फिर सिमिलरली यहाँ से भी हम सबको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इससे अगर इतना मोटा बोर्ड नहीं लगाना है फिर भी नहीं, बिना लगा भी काम हो जाएगा आपका। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो सबको सिलेक्ट करके हाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये जो आ रही है ये ऊपर का, इसको हम लेयर पे डाल लेते हैं। कंट्रोल से में कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया, इसको ले कंट्रोल जे दबा के इसको सिलेक्ट करा। तो अब इसको जो है हम लेयर में डाल दिया। इसको भी एक बार मैं होम दबा के दिखाता हूँ। ये लो मेरा यहाँ तक हो गया। लास्ट मेरा एक काम रह गई, पिलर सेट बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे ड्राफ्ट लगाना है। ठीक है, अब पीला सेट लगाएंगे हम इसकी। अभी इसका जो हम पिलर सेट बनाएंगे, तो पिलर सेट जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड पिलर सेट मैं यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी जो है ऑलरेडी पिलर सेट में बना रखता हूँ। तो ये रहा मेरा पिलर सेट, कहाँ गई फाइल नेम। देखो मेरा पिलर सेट आ गई, स्टैंडर्ड में बना के रखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पिलर सेट को यहाँ पे बिठाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो ठीक लग रहा है मुझे तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मुझे देखना है, थोड़ा नीचे ले जाना है इसको। कंट्रोल टी करूंगा और यहाँ पे इसको जो मैं लगभग 1 mm, 2 mm का मुझे नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पीला सेट लगा दिया है। अब इसको मैं कर दूंगा सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट अभी नहीं करूंगा, फिर इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा डायरेक्शन में, क्योंकि सब प्लेट की साइज तो 3 में ऊपर जाएगा तो 7 नहीं आता है। तो इस केस में मैं पहले बना कर रखता हूँ और वही स्टैंडर्ड में यूज करता हूँ। तो मैं कर दूंगा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इधर से इसको सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो गया है। अब ये जो ऊपर का ये है इसको मेरा किसी काम का नहीं, और ये भी मेरे किसी काम का नहीं, तो इसको मैं डाल लूंगा 100 में। अब एक बार देखोगे आप पता लग जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के दबाया और यहाँ पे ये जो चीज है इसको मैं हटा दूंगा। मैं दिखाता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो चीज है इसको कर दूंगा ऑफसेट। ये गया, हट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी जो चीज है मेरा इसको भी मैं कर दूंगा ऑफसेट। ठीक है, तो ये भी ऑफसेट हो जाएगा, ये भी ऑफसेट हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो है हम लगा दिए। ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा मिरर, मिरर ज्योमेट्री। तो अगर आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो कमेंट डालिए, मैं ये दे दूंगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट, फिर यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट, ये हटा दिया, ये हटा दिया।
कंट्रोल जे, इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 100 में डाला और ये हम कर देंगे ऑफसेट वाले काम। ठीक है, सिमिलरली इसके ऊपर वाला में भी। तो ये हो गया आपका काम, तो अपना जो डाई है ब्लैंकिंग डाई बन गया है। और जितना भी यहाँ पे होगा थोड़ा थोड़ा आप ऑफसेट सैंपर मार सकते हो। ठीक है, तीन 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 हम सब में लगा देंगे, एक एक ऑफसेट यहाँ पे मार रखा हूं मैं। तो ये रहा आपका ब्लैंकिंग डाई, आई होप आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो बताइए। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर कुछ सीखने को मिले तो नीचे लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अगर नया चैनल में जुड़ना है, इसी तरीके से मैं डाई मोल हर तरीके से वीडियो डालते रहता हूँ, आगे जुड़ना है तो आप वहाँ पे मेरे जुड़ सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम में जरूर दिखिए, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ जॉब वगैरह का डालते रहता हूँ, जो भी जॉब वगैरह की वैकेंसी वगैरह आती है, जो वीडियो आने वाला है वहाँ पे अपडेट वगैरह मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा आपको, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको भी मेरे को जॉब वगैरह का नोटिफिकेशन चाहिए, जिसको भी जॉब वगैरह का अपडेट चाहिए, वो इंस्टाग्राम में जरूर रहिए, वहाँ पे अपडेट डालते रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में इतना ही था, अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, जितना भी आपको चाहिए मैंने बता दिया वीडियो में, थोड़ा सिंपल करके बताया हूँ। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।